आप भी बैठ गए इसी में, बैठिए उसमें बैठ जाइए आप। बेसिक स्ट्रक्चर लाने आ गया सबको, है ना, और उस टेम्पलेट को डिजाइन करने की कोशिश कर लो। प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछ रहे हैं, कुछ सी एस एस थ्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा भाई, शैडो। सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा है, शैडो। क्योंकि मेनली शैडो जो है ये चार प्रॉपर्टी को लेता है, ठीक है। अगर किसी भी बॉक्स पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज करिए डिवीजन है ना, सपोज करिए डिवीजन है, इसकी बैकग्राउंड सपोज करो ग्रीन है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई शैडो है, शैडो तो कुछ इस तरीके से होगा ना, हाँ बिल्कुल बेहतरीन दिखता है, ऐसा ही शैडो होगा ना, ऐसे करके। मैं कलाकार नहीं हूँ बट हाँ ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल शैडो। तो ये जो शैडो है ना, दे हैव जस्ट अप्लाइड ऑन दिस बॉक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज बॉक्स, दैट्स व्हाई फॉर अप्लाइंग शैडो वी जस्ट यूज बॉक्स हाइफन। अब ये मेनली फोर प्रॉपर्टी लेता भाई, एक्स एक्सिस है ना, सेकेंड वाई एक्सिस, थर्ड जेड एक्सिस, नहीं ब्लर, थर्ड इज ब्लर एंड फोर्थ वन इज कलर। इट्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉक्स है ना। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो इन पिक्सल, वाई एक्सिस ऑल्सो इन पिक्सल, ब्लर इज ऑल्सो इन पिक्सल, ध्यान रहे। और कलर तो फिर कलर ही है, कलर में है वो तो सही, वो पिक्सल में नहीं होगा। ब्लर का मतलब समझ में आता है ना, धुंधलापन या गढ़ापन, अपना भी जितना ब्लर का पिक्सल बढ़ाओगे उतना ही धुंधला हो जाएगा, जितना कम करोगे उतना ही प्योर कलर आ जाएगा। जैसे जीरो पिक्सल कर देते प्योर कलर आ जाएगा, वन पिक्सल करोगे थोड़ा सा, ज़्यादा कर दोगे 20 पिक्सल 50 पिक्सल तो पूरा ही फट जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब फैल गया, ब्लरिंग हो जाएगी ना उसका। अभी मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये होता है कंसेप्ट। अगर ऐसा लिखा रहे तो ऐसा नहीं सुनना कि यार बॉक्स सेट में चार चार क्या लिख रखे हैं, है ना। तो मैं ये प्रैक्टिकली देखो दिखाता हूँ, डिबग करके दिखाऊंगा। बिटा दो इसे, लिख ली इसे, देखो सपोज करो हमने एक स्टाइल यूज करूंगा।
मतलब एडिट स्टाइलिंग करूं कैसे करूं। हाइट और चलो बॉक्स बनाया गया सही मैं एक सेक्सिस में पिक्सल देना एक्स मीन्स व्हाट राइट इस साइड ना राइट साइड लेफ्ट या राइट वाई एक्सिस में भी मैं कलर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल और कलर पिंक जैसा ही दे देता हूँ मैं पिंक जैसा ही है क्या भी ये साइड हो क्लिक क्लिक है ये साइड हो मैं ऐसा 100 पिक्सल करता हूँ फर्स्ट वन इज फॉर एक्स एक्सिस फर्स्ट वन इज फॉर एक्स एक्सिस सेकंड किसके लिए भाई ऐसे किया आ रही वसाल में किसके लिए भाई ब्लर का मतलब जैसे बिल्कुल हमने कर दिया पॉइंट और ये ज्यादा फेड हो जाएगा ब्लूम है ना ब्लास्ट देख रहा है ये अरे बस समझ में और फोर्थ तो कलर है वो सभी को समझ में आया नेगेटिव वैल्यू भी जाते हाँ बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू भी आते तो नेगेटिव वैल्यू ले लो तो कहाँ जाएगा भाई पिक्सल बाहर दे रखे हैं ये हमारे दूसरे डेट को से फर्क नहीं पड़ता वो शैडो के ऊपर आ जाए अरे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं देखो तुम्हारा शैडो यहाँ आ रहा है कोई अगला बंदा खड़ा होना चाहेगा तो शैडो को बात थोड़ी ना होगा तुमसे सट नहीं सकता है क्या बिल्कुल बाजू में खड़ा हो सकता है वो तुम्हारा शैडो वो ढक लेगा वो तो ओवर राइड बन सकता है क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट लिखो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूज करने से पहले जाने इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं मैं इजी करने के लिए मैंने आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ठीक है कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया भाई ताकि आपको समझ में आ जाए फर्स्ट पार्ट को हमने कहा बेसिक ब्लॉक क्या कहा भाई बेसिक ब्लॉक है ना जिसमें हमने क्या किया किसी भी डिवीजन कोई भी सिलेक्टर हो है ना चाहे आई डी हो या क्लास हो हमने बेसिक एट्रीब्यूट वगैरह लगा दिए एट्रीब्यूट वैल्यू वैल्यू है ना सेकेंड ब्लॉक का नाम हमने दिया होवर या इवेंट ब्लॉक कौन सा ब्लॉक भाई होवर ब्लॉक है ना सेम सिलेक्टर्स होंगे सेम सिलेक्टर कोलन होगा यही होगा ना और इसमें हमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है हमने एट्रीब्यूट कोलन वैल्यू अप्लाई करना है ध्यान दें ऑलवेज यूज ट्रांजिशन इन बेसिक ब्लॉक ऑलवेज यूज ट्रांजिशन इन
ट्रांजिशन क्या यूज करोगे भाई? ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन के बाद वैल्यू कुछ अजीब गरीब का, कोई पिक्सल कोई कलर कुछ इस टाइप का नहीं होगा, अजीब गरीब दिखेगा, आपको समझ में नहीं आया कि यार ये ऐसा क्यों लिख रहा है। यहाँ कुछ इस तरीके से होगा वेट, क्या होगा भाई वेट। अब आप देख करके टेंशन में आ जाओगे यार, विड्थ कुड़न के पहले होता है, ट्रांजिशन के बाद होता है। एग्जैक्टली जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन है ये खुद में चार प्रॉपर्टी लेकर के चलता है। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेल्फ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। थर्ड वन इज ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले। एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिशन टाइम फंक्शन, ट्रांजिशन टाइम फंक्शन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करता है? प्रॉपर्टी में स्मॉल एट्रीब्यूट, ट्रांजिशन जस्ट एक फंक्शन कॉलिंग की तरह काम करता है, अपने इवेंट ब्लॉक यानी होवर ब्लॉक को ढूंढता है। जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशन लगा हुआ है, ये अपने सिलेक्टर्स का होवर ढूंढेगा, कहाँ होवर मिल रहा है इसे, पूरे पेज पे कहाँ होवर है भाई, देखेगा हाँ हाँ मेरे पास तो है भाई होवर है ना। तो ये क्या कहेगा कि भाई होवर तो है, अच्छी चीज़ है, होवर के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी अप्लाई है। इसे क्या करना है भाई, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को चाहता है लेना, ना हाइट को, ना बॉर्डर को, ना बैकग्राउंड को, ऐसा कुछ लेना नहीं चाहता है वो, क्या सिर्फ और सिर्फ विड्थ को लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ विड्थ को आपने डिफाइन कर दे। अगर आपको हाइट भी लेना है, जस्ट यूज कॉमा, क्या लिखोगे? हाइट। चाहते हो कि सारे ही प्रॉपर्टी हो जाए तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? ऑल। क्या लिखोगे? ऑल। क्या लिखोगे? ऑल। मेनली लोग ऑल ही यूज करते हैं, क्या लिखोगे? ऑल। इसके बाद क्या भाई, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमने क्या किया भाई, 2s। 2s का मतलब दो सेकेंड। डिले भी चाहो तो लगा सकते हो 2s, डिले ड्यूरेशन में पता नहीं है, डिले तो लेट हो गया। डिले का मतलब हुआ कि मैंने कहा कि खड़ा हो जाओ भाई, और मैंने तुम्हारे ऊपर 2 सेकंड का डिले लगा रखा है, तुम क्या करोगे 2 सेकंड तक बैठे रहोगे, चुपचाप मुझे देखोगे और इसके बाद अपने एक्शन को 2 सेकंड में परफॉर्म, है ना। जितना मैंने फास्ट किया, 1 सेकंड लगाया फटाफट आ जाओगे, 2 सेकंड लगाया थोड़ा सा लो हो जाएगा, 3 सेकंड 4 सेकंड लगाओ तो और धीरे धीरे आओगे, और दैट्स कॉल्ड ड्यूरेशन। डिले में शॉर्ट, इतने टाइम तक तुम डिले करोगे, नहीं परफॉर्म करोगे, जैसे ही टाइम खत्म होगा इलैप्स होगा, और जो तुमने ड्यूरेशन दे रखा उतने ड्यूरेशन में परफॉर्म यानी उतने स्लो मूवमेंट को परफॉर्म। दैट्स द रीजन कि ट्रांजिशन को ये भी कहा जाता है कि फॉर परफॉर्मिंग एनिमेशन वी जस्ट यूज ट्रांजिशन इन CSS3। इससे पहले CSS2 में हमारा एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था, कोई टास्क होवर पे इंस्टेंटली परफॉर्म हो रहा था, कोई टास्क होवर पे इंस्टेंटली परफॉर्म हो रहा था। अगर उसे हमें एनिमेटेड वे में लाना होता था तो हम आइदर जावास्क्रिप्ट ये कुछ गेम्स करते, बट CSS3 वालों ने हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखी है। तो राइट डाउन, इसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा और अच्छे से। ट्रांजिशन टाइम ट्रांजिशन क्या है भाई?
देखो प्रैक्टिकली देखो समझ में बिठा दो इसी में कर चलो भाई मैं ऐसा करता हूँ ओवर सबरी को ढूंढ लेगा क्या होगा भाई बोला ओवर मैं क्या करता हूँ ओवर मैं ये सारा चीज लेता हूँ चलो लाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को देख लेंगे करते थे पर CSS3 वालों ने हमने ऑलरेडी क्या दे रखा है भाई ट्रांजिशन आप कहां यूज करोगे ऑलवेज यूज इन बेसिक ब्लॉक इसके अंदर ट्रांजिशन हमने क्या कहा भाई ट्रांजिशन और अब यहां देखते हैं एक बार देखो ये क्या लगाना होगा भाई एनिमेटेड में हो रहा है ना मतलब एक स्लो मूवमेंट में हो रहा है अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं हो रहा है कि इंस्टेंटली कुछ ही देखो मत आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है इसके बाद मैंने क्या कहा भाई डिले कहा था डिले क्या कहेगा कि 2 सेकंड तक डिले हो जाओ हां इसके बाद काउंट करो 1 2 सेकंड तक डिले हुआ काउंट करो 1 हाँ मैजिकल वे में काम करता है बिल्कुल अगर किसी को बेवकूफ बना रहा है तो क्या करो ऐसे कहो देखो भाई मैं अगर मैं काउंट करूंगा तो ही होगा मैं बोलूंगा आ जाओ तो आ जाएगा है ना मन में काउंट करेगा 1 2 आ जाओ फिर हटा दूंगा बोलूंगा अभी नहीं जाओ 1 2 अब जाओ ना मतलब बेवकूफ बना रहा है एक्चुअली इट्स ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी है ना ये कोई ऐसा नहीं है मैजिक नहीं है बाहर भी लिख सकते हो ये जो ट्रांजिशन ये है ना बाहर भी लिख सकते हो ऐसा नहीं है बाहर ऐसे दे सकते हो सारे प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं है ध्यान रहे ट्रांजिशन डिले लगा दे टू दिस डिले ऐसे बाहर भी लगा सकते हो और एक के अंदर भी लगा सकते हो आ रही बात समझ में अगर शैडो का मूवमेंट देना हुआ तो भाई वापस क्या करते फिर अबे ऐसा करता हूँ मैं होगा पे ये 100 100 कर देता हूँ 100 100 कर दूँ ना मैं है ना 100 100 कर देता हूँ 100 100 इतना ही निकलेगा 100 100 इतना ही निकलता हूँ ना तभी तो इतना निकलता है ना करने भी इतने आएंगे इतने पार्ट्स आएंगे बिल्कुल ही क्रोन निकालना हुआ तो क्रोन निकल जाएंगे है ना ऐसा करता हूँ मैं साइड पे शेड हुआ आ क्यों नहीं बॉक्स भी जाएगा शेडो भी जाएगा
कैसा अप्लाई करूंगा भाई साहब, जाएगा मैंने एग्जाम प्रॉपर्टी तभी तो बताए मैं इसे 50 कर रहा था और ज्यादा ब्लर हो जाएगा। सही है वो भी कर सकते हो, जैसे मैं कई बच्चे से मैजिकल चीजें बनाते नहीं है, ये क्या है भाई, ये बॉडी बॉडी है नहीं है, ऐसा करो बॉडी है ना, बॉडी का बैकग्राउंड क्या करो भाई, बैकग्राउंड कलर ही ब्लैक दे दो, समझे कलर तो इसका ये नहीं इशू आ रहा है भाई, वो डिवीजन है इसको क्या करो भाई, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो, ये ज्यादा सही है, व्हाइट कर दो है, ना पता चल जाएगा, पता क्यों अब मैं इसे इसे फुल कर देता हूँ, कैसे होगा भाई हंड्रेड परसेंट ना एक्टिव होता है, पिक्सल में देता हूँ बन गई है। चांद तारा बना रहा हूँ ना, चांद तारे बनाओ रिजल्ट क्वालिटीज डिपेंड कराएंगे ना, तो गोबर करेंगे तो उसको रखने का तो मैं जो घुमा दोगे चला दोगे थोड़े ना वो वापस सरकते हैं घर में, डिस्कस किया था कि मूवमेंट ऐसे नहीं मिल सकता है, मूवमेंट ऐसे नहीं मिलेगा है ना, आई मैं 200 पिक्सलिंग कर रहा हूँ ठीक है, सिर्फ आएगा साइड को तुम्हारे पास में, ये तुम्हारा क्वेश्चन देखिए सिर्फ किसका मूवमेंट आएगा भाई, सिर्फ साइड का, क्योंकि ये तो हाइट एंड विड्थ सेम ही है, हाइट एंड विड्थ क्या है भाई सेम है, यहाँ बॉक्स सेट हो गया 10 के लिए और यहाँ क्या 200 के क्लियर है ये चीज, अब इसे भी मूवमेंट आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है मूवमेंट दिया जा सकता है, मूवमेंट भी अब हमें क्या करने में पता ही है कि भाई डिफॉल्ट हर एक कंटेंट की पोजिशनिंग क्या होती है, स्टैटिक होती है, आप स्टैटिक से बता दो कोई इशू नहीं है, मैं क्या करूँ भाई मैं टॉप से लेता हूँ, टॉप अभी टॉप से 10% है ना 10% करेगा, हम इसकी पोजीशनिंग डिफाइन कर दो एब्सोल्यूट या रिलेटिव, काम करेगा करेगा ही करेगा, समझ में हमें क्या है भाई, करने के बाद भी टॉप से ये मूवमेंट करें, टॉप टॉप से कितना हो जाए भाई 30% कितना हो जाए, अब चलते हैं तब ये भी मूवमेंट करेगा, अरे वास्तव में हमने इसे 10 कर दिया, सिर्फ सिर्फ इसकी मूवमेंट होगी,
हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा मैसेज 100 मिनट हो भाई, ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है ना, बट ये हटा दोगे तो मूवमेंट बंद हो जाएगा, जानते हैं अगर ये हटा दिया आपने मूवमेंट बंद, रोटेशन कराना भी ये सारे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, रोटेशन वगैरह कराना या मूवमेंट देना उसके टेलीफोन में, उसके लिए भी होता है, चाहो तो लिख लो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी होता है, चाहो तो लिख लो सेम होता देख लो, मैं दिखाया तो इसी में कर देख लो, ये मैं बोला रेडियस हटाया तो रेडियस क्या कर दो मैं, अरे मेरे पास ये है ना, इसे रोटेट करना है, क्या करना है भाई रोटेट करना है, जैसे मैं मूव करता हूं क्या बजट रोटेट है, रोटेट रोटेट को ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म के नाम से बदल है कि इसे ट्रांसफर कर दो भाई, कैसे करना है रोटेशन देना है स्केलिंग करना है कहां देना है, जैसे कम ना जैसे वो हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देते हैं उसमें बेसिक में भी क्या है वो कर देते हैं, हमें अगर रोटेट करना है तो हां ये होगा ना, दो ना बस अजीब लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, अब इसमें हम डिग्री डिफाइन करते हैं, हमें जितने डिग्री से रोटेट करना है उतने डिग्री डिफाइन करते हैं, अगर हमें 180 डिग्री से करना है तो 180 डीजी लिखना पड़ता है, ध्यान रहे बस नया होगा लेकिन जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये, दिख रहा है ये 180 डिग्री 360 करोगे तो पूरा घूम जाएगा, समझ में अजीब लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, ये सब करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की बहुत लंबी लंबी कोडिंग करनी होती है, जो CSS3 ने हमें ऑलरेडी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दे रखा है, डिफॉल्ट अगर सपोर्ट यही है इसे पैरेललोग्राम बनाना है तो हमारे पास ऐसा प्रॉपर्टी नहीं था पहले, यही दिया भाई, हाँ CSS3 ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया भाई, इसे क्या बोलते हो स्क्यू बोलते हो ना, स्क्यू ब्लू स्क्यू, हमें एक्स एक्सिस में स्क्यू करना है कितना भाई 20 डिग्री से, 20 डिग्री से क्या हो जाए भाई स्क्यू एक्स, यानी पैरेललोग्राम है एक्स एक्सिस के सेम मूवमेंट के, आ रही बात समझ में, राइट लिख लो इसे ये सारी प्रॉपर्टी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप डिजाइनिंग पार्ट के लिए जाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर आप कहोगे कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ CSS3 तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिशन का ही उठेगा, इसलिए इसे राइट मैंने बहुत इसे तोड़ तोड़ के बताने के लिए कोशिश किया है, ठीक है, बाकी आप कहीं देखोगे तो ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे ही लगा देगा बॉक्स एड हो नहीं क्या भाई ट्रांजिशन ऐसे, और टेंशन में रहो ये ऑल वर्ल्ड 2 सेकंड कहाँ से ले रहा है क्या ले रहा है समझ नहीं लगा, इस तरीके से समझो ब्लॉक वाइज ये किस ब्लॉक का ये किस ब्लॉक का समझ में आ जाएगा, मैंने काफ़ी कोशिश की कैसा बताया एक हमको बट समझ में आ जाना चाहिए,
देखो क्या बना है। एक छोटा सा चीज बताऊं, खैर तुम्हारे माइंड में से क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं भी बड़ा क्वेश्चन करता हूँ लोगों से, है ना। मैं इतना करता हूँ कि वो बेचारा बेहोश हो जाएगा। जूता है तुम्हारे पास, तुम सर पे लेके घूमो, कोई मना करेगा? अरे तुम्हारा सब भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम सर पे लेके घूमो या गर्दन में लटका के चलो, किसी को क्या लेना देना भाई। बट जिसकी जो पोजिशनिंग होती है वही वो अच्छा लगता है। टाई का पोजिशन कहाँ है भाई यहाँ? वही सही मान लो, कमर में बांध के चलोगे तो लोग बोलेगा लफुआ है। तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ही होता है, बट उसके जवाब भी मैं बड़े अच्छे से देता हूँ। आप समझ में कहीं दे सकते हो नो इशूज, बट जो एक पोजिशन है ना वही अच्छा लगता है। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग ये कहेंगे पागल है, जूते को सर पे लेके घूम, यही कहेंगे पागल है, और क्या कहेंगे, कहने दो कहने दो, सबसे बड़ा क्या कहेंगे। लोग बनाओ इससे अच्छे अच्छे, कई बच्चे तो थोड़ा बढ़िया बढ़िया बना कर लाते हैं भाई। बैकग्राउंड बैकग्राउंड में बॉडी के बैकग्राउंड में एक इमेज डाल दो, वो टिमटिमाता तारा वाला होता है, जेईफ इमेज होते हैं, बड़े बेहतरीन होते हैं। और इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दो कि ओवर करे तो एकदम बिल्कुल रोटेट हो जाए, ऐसे होता ना भाई चांद तारा बिल्कुल फोकस मारे, बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओ, कुछ अच्छा बना कर लाना। बैकग्राउंड अगर मैं सपोज करूँ ये ब्लैक ही कर देता हूँ, है ना, ऊपर में एक लिख दो टेक्स्ट, ये सब चीज होने चाहिए आपके वेबसाइट पे, ये सब चीज होनी चाहिए। अरे बात समझ, मेरे को ऐसा बनाना है, अच्छा लग रहा है, जो वेबसाइट पे देखते रहते हैं ना तरह तरह की चीजें, ये सही सब सारी चीजें ओवर करने पे, ये कुछ ऐसा मूवमेंट हो, सभी सॉफ्टवेयर बड़ा टिपिकल हुआ कुछ करना, इसकी बहुत लंबी लंबी कोडिंग होगी, बट ऐसा नहीं है, वो सिंपल सा इसको लिखना है, लिख ले, अच्छा चीजें लिखोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, बाकी वीडियो तो मैं दे ही देता हूँ, है ना। कई बच्चे सोचते हैं वीडियो देते हैं घर पे आराम से लिख लिया, लिख लो प्रैक्टिस हो जाएगा।
तरीके से टिक्स शैडो भी होता है, शैडो होता है ना, टिक्स शैडो भी होता है कि यार ये चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं भाई, सबसे बनाया हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो फोटो सबसे बनाया हुआ नहीं है। ब्लर को कम कर दो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आ जाएगा, ऐसा लगा कि दो बार हमने लिख रखा है ऐसे, जबकि हकीकत क्या है, दो बार नहीं है, एक ही बार है ऐसे, है ना, एक ही बार है। आप इसे कॉपी तो कर सकते हो, इसे कॉपी तो कर सकते हो, बट इसे कॉपी नहीं कर सकते, इसे आप सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, बस ऐसा तुम ना बोलूंगा मैं इसे कॉपी करूँ, क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कई दफ़ा देखा होगा आपने सेलेक्ट नहीं होता है, सेलेक्ट ही नहीं होता ये चीज़ें, और लोग सोचते हैं भाई सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट लिख होगा, क्या करते हैं टेक्स्ट नहीं है ना, ये बात समझ में, कितने प्रॉपर्टी सीखे, बॉक्स साइड हो, फिक्स साइड हो, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, बनाते हैं लोग, पर उसका कभी देखा है कहीं नहीं, बनता है बन जाए, भी कुछ ऐसे टैग्स हैं इंपॉर्टेंट, आप उसे स्टडी करो, ठीक है। फ्रेशर लेवल पे लोग तो बेसिक ही पूछते हैं, ऑडियो वीडियो टैग लगाना है ना, हेडर फुटर नैव को, ये सारी चीज़ें स्टडी करो, बड़े लेट कर दिया ऑफिस से, सोकर अभी उठे, हमारा ऑफिस में काम क्या है, किस प्रोफाइल पे, मेलिंग, मेल मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में मूवमेंट चाहते हो, थोड़ा सा सब करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। तो अच्छा है कि मैं वीडियो इसका कैप्चर कर लेता हूँ ना, ताकि समझ में आ जाए, घर जाने के बाद थोड़ा छूट भी गया 5-10 मिनट, तो यार जो सर ने बात की होगी वो है, बट जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर छोड़ दिया वो तो नहीं मिलेगा, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया और जो ड्रॉ करके बता दिया कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है इंटरनली, वो नहीं मिलेगा, कोडिंग मिल जाएगा, आवाज़ कैप्चर हो जाएंगे, बाकी नहीं मिलेगा। टाइम फंक्शन कुछ होता नहीं, इज इन इज आउट इस तरीके से, यानी कुछ कभी कभी देखना कि कुछ ऐसे होते हैं, ये क्या होता है, लीनियर होता है, बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, लीनियर में क्या होता है कि आराम आराम से जाते हैं, है ना, और इज इन में क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, अभी बात समझ में, ऐसे सुनो, मतलब इस तरीके से होता है, इस टाइप के इफेक्ट्स वगैरह लाने के लिए हम इज इन इज आउट लीनियर तमाम सारे यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑडियो वीडियो लगाना है वो तो भाई कैसे लगाओगे, ऑडियो वीडियो लगाने के लिए क्या करोगे, हेलो कहीं भी ऑडियो हो या वीडियो कैसे लगेगा ये वीडियो,
था वीडियो इसमें गाने वाने हैं भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि वीडियो MP4 है ये गाने वाले लगा दो, गाने नहीं है इससे इससे पता चल जाए कि पढ़ने वाले हो गाने नहीं है बट मूवी है। नहीं नहीं है भाई वीडियो सॉन्ग, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं कौन सा कंपनी है भाई ये? ये चल जाएगा सी ऐप ना फाइल नहीं ऐसा नहीं, इसका नाम चेंज कर दो, मैंने वन कर दिया ना वन डॉट एम पी फोर में दिख नहीं रहा सर, नेम नहीं दिया, वीडियो नेम नहीं दिया ना, वो बैट बॉल में से ब्लैक ही आएगा मुझे लगता है। 1.mp4 चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोल होता है, कंट्रोल से इक्वल टू कंट्रोल से लिख रहा है कंट्रोल से तो चल जाएगा। Yeah.
किसको वेबसाइट बनाने आ गए, यानी वो बना सकता है डिवीजन की हेल्प से, कैसे भी तोड़ मोड़ सकता है, सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आज मैं कुछ नया चीज दूंगा और उससे आगे मैं अपने पीएचपी में यूज करूंगा, है ना? क्योंकि पीएचपी में अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाऊँ, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, चाहे वो शॉपिंग सेंटर हो, चाहे वो टेस्ट का हो, या समथिंग, या कोई वेबसाइट हो, है ना, या बैकेंड हो, या सीएमएस हो, कुछ भी हो, फ्रंट एंड हम खुद बनाएंगे, किसी की हेल्प से नहीं, किसी डिजाइनर की हेल्प से नहीं, हम फ्रंट एंड भी खुद डिजाइन करेंगे और बैकेंड भी खुद भी डिजाइन करेंगे। हमारी बात समझ में, हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, वी आर आवर सेल्फ है डिजाइनर एज वेल एज डेवलपर, है ना, डिजाइनर भी और दोनों का। बट धीरे धीरे प्रोसीजर ऐसे ही बढ़ना चाहिए, स्टेप होना चाहिए कि अभी हमने क्या सीखा, अभी सिर्फ और सिर्फ लेआउट बनाना है बाय यूजिंग एचटीएमएल, सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं है, थोड़े डायनेमिक के लिए हमने अभी जस्ट एनिमेशन टाइप से ले हमने यूज़ कर लिया है ट्रांजिशन, बट वो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं, है ना, और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, भाई इमेज का मूवमेंट हो, कुछ स्लाइडिंग इफेक्ट्स हो, या कुछ हो, कुछ वैलिडेशन हो, समथिंग लाइक वो सारा जावा स्विफ्ट जेक्वेरी में होगा, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ चार लेक्चर हमने सिर्फ लिए ताकि आपको लेआउट बनाने आ जाए और एचटीएमएल के हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सीएसएस के हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कोई आपको ये बंदा दे दे कि भाई ये रखो, ये वेबसाइट है, इसको यार हमें ऐसे हैंडल करना है, ये कस्टमाइज करना है, तो ऐसे टेंशन में ना रहो यार ये हैश क्या है, डॉट क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, यूएल फिर स्पेस एलआई ग्रुपिंग, ग्रुपिंग भी तो होता है ना, कॉमा कॉमा करके या कोलन होगा, ये सब चीज़ क्या है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता, ऐसा अब नहीं होगा। कोई भी वेबसाइट देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली हमें करना है, मतलब किस तरीके से करना है, क्या ये किया है और हमें अब क्या करना है। कॉलेज हमें आपको डिजाइनर नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है भाई, तो डिजाइनिंग इतनी आनी चाहिए जिससे कि आप समझ गए ना, हाँ आप काम कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप कर लोगे, नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस ना करने का नतीजा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, है ना। वीडियो मेरी ले जाओ, यूट्यूब से तमाम लोगों की वीडियोज मिल जाएंगी, तो वीडियो सिर्फ पढ़ने में हद से नहीं होता है, वीडियो बनाने वाला भी लास्ट में ये जरूर कहता होगा कि भाई प्रैक्टिस करो, अगर आप देखते होगे तो, नहीं देखते हो तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है, बट बोलना चाहिए, अगर जो नहीं बोल रहा है तो बोलना चाहिए कि भाई देखो बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बन जाएगा, चाहे तमाम आप मेरे से ले जाओ या जो बाकी सर पढ़ाते हैं उनका लेके जाओ या किसी और का वीडियो कैप्चर करो, कोई फायदा नहीं, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
जैसे तू करो इसका कहना ये है कि हमने डिवीजन ले लिया ना स्टाइल से ही नहीं हेडिंग टैग बढ़ेगा बट हमें सिर्फ दो ही दिखेंगे लेकिन गलत है ना बाकी तो हमारे डिटेल्स को गैप हो गए फिर दो तो नहीं करते क्या करते क्या करोगे स्क्रॉलिंग बन जाएगा हमारे गैप नहीं होंगे भाई आ जाएंगे तो कंडीशन आ जाए पूछा जाता है नोट डाउन करो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गुड अगर बहुत ज्यादा डीप में घुस गया तो पूछ लेगा नहीं नहीं डीप में घुसा तो ऊपर ही सही है डिवीजन बना भाई ये कैसे कैसे बनेगा डीप के अंदर डीप बना जिसका टेक्निकल भी सही नहीं है रट के भी चला जाए तो बता देगा लेकिन हो सकता है टेक्निकल अगर सिस्टम टेस्ट ले ले तो मे भी हो सकता है कि वो फेल कर जाए अगर रटने वाला बंदा हो तो कई दफा सिस्टम टेस्ट भी ले लेते हैं ऊपर स्कोर आपने बताया गेम के अंदर कई सारे डेट बन जाते हैं उसमें भी मोड मोड हाँ
अच्छा चलो, इतने हमने बताए, हम आप लोगों से एक बिल्कुल बेसिक साइंस चीज पूछेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट देखने के लिए, ताकि आपको समझ में आ गया नहीं, है ना? लिख लिए सभी? ऐसा डिजाइन करना है देखो, बंद बोलोगे सर क्या, इतना खाने के बाद यही आप हमारे रहे हैं, ऐसा डिजाइन करना है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि सिंपल, अगर सिंपल है डेट मीन्स कि आपको डिवीजन के कंसेप्ट आ गए। अब कौन करेगा यहाँ पे कोडिंग, बताओ भाई कौन करेगा? मैंने सबको बताया, दस मिनट में करो, 15 मिनट में। जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट वाला आउटर है, उसका 400 400 ले, ठीक है? इसके बाद 200 200 और फिर 100, ठीक है? Thank you.
दो येलो हो गए। लेकिन एक्चुअल नहीं है तो समझ में आया डीप के अंदर डीप कैसे लेना है, बीच में लाना है तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अप्लाई करो। काम करती
मार्जिन टॉप तो ठीक है, सही है, लेकिन मार्जिन बॉटम किसने ले लिया? मार्जिन लेफ्ट सही है, राइट क्यों नहीं? बैकग्राउंड लेवल तो ठीक है, तो बीच में चाहिए ना। ये टोटल कितना है? 100। ये कितना है? 200। 100 छोड़ दो, 100 दो, 800 हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट कितना करोगे? मार्जिन टॉप से 100 कर दो, मार्जिन लेफ्ट से 100 कर दो। तो मैथमेटिक्स भी कमजोर है क्या? मैथमेटिक्स भी वीक है, कमजोर लग रहा है। इसके बाद क्या है भाई? चल ठीक है, 50-50 कर दो, 50-50 और 100-100 सही है। अब जाके काम आया दिमाग में सर, मार्जिन ऑटो कर दिया है तीनों के अंदर, सेंटर में आ जाता है, किसी बिल्कुल से नीचे ना हो। हाँ तो भी कर सकते हो, मार्जिन टॉप पर रख रहे हैं। हाँ मार्जिन टॉप, मार्जिन ऑटो कर रहा, तो इसके हिसाब से ये मार्जिन ऑटो सबसे आपके लिए करोगे, तो उसके साथ साथ जो भी घर है अंदर में सारे भी घर चले जाएंगे। वो उठाए थे लंका से घर, तो उसके साथ साथ सारे पेड़ पौधे उसके अंदर वैद बैठे हुए, तो वो भी साथ के साथ उड़ गए, है ना? वही चीज है, हर का घर जाएगा वाले भी जाएंगे। अगर अंदर वालों को कुछ तो बाहर वालों को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हरी बात समझ में, डिविजन के कंसेप्ट क्लियर हो गए? हाँ तो वो फिर आपको कैनवास SVG वगैरह यूज करना होगा, ऐसे नहीं आएगा। HTML5 में कैनवास आया, SVG आए, उसको यूज करके आप ही बना सकते हो लाइन वगैरह। ऐसे नहीं कि आप सिंपल एक कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कैनवास SVG पढ़ना होगा। बन जाएगा, बन जाएगा, ये तो ऐसे बन जाएगा। बट ये सब एक में ही है ना? हाँ एक में ही है, तो ऐसे नहीं होगा, फिर तो प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ऐसे हो कि भाई सबसे एक हो, ऐसे हो तो बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस टॉप का कर दो 7 पिक्सल 8 पिक्सल अपने हिसाब से, है ना? वो आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। बट ये एक में ही ऐसे प्रॉब्लम है, ये कैनवास वगैरह का ही यूज़ करना, SVG का यूज़ करना। वीडियो डेवलप डिजाइनिंग में जाना है तो पढ़ो सभी, कैनवास पढ़ो, SVG पढ़ो, है ना? तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें, और आगे पढ़ो। डेवलपमेंट में जाना है तो इतना ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या है अपना? ये तो हमने सिर्फ बताया, लेआउट बनवाया, डिजाइनिंग दे दी, बैकग्राउंड थोड़ा वगैरह कर, बट इसके अंदर कोई किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं था सिवाय ट्रांजिशन का। अब हम इन चीज़ों को कैसे पहले किया करते थे, कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते थे, JQuery के थ्रू करते थे, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और भी थोड़ा डीप में जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, लाइक वैलिडेशन वगैरह हम कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रेशर लेवल के एक्सपीरियंस लेवल में भी वैलिडेशन वगैरह पूछ लेते हैं, डॉम के कंसेप्ट वगैरह पूछ लेते हैं। बेसिक लेवल में ये बोल देते हैं कि भाई कैलकुलेटर बना के दिखा दो हमें, या मतलब डायनेमिक हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमें स्टैटिक पेज बना कर दिखा दिए, टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कोई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक से क्या मकसद बन रहा है? यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाए, है ना? मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अब क्या चल रहा है डोंट नो,
इस लैंग्वेज का यूज करके चला रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो, हो सकता है जावास्क्रिप्ट हो, सकता है जेक्वेरी हो सकता है एंगुलर हो या पीएचपी ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट हमें चाहिए डायनेमिक अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट इट विल प्रोवाइड यू सम यूजफुल है ना, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ. तो हमारा सिलसिला अब कहाँ चलेगा? जावास्क्रिप्ट. सो राइट डाउन जावास्क्रिप्ट है ना. बच्चे को जा सकते हैं.